गाइस सत श्री अकाल जी सारे नु वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अज आपां करांगे हाउ टू पार्लर मेकअप एट होम, ओ वी अंडर 400 रुपीज़ दे विच फुल फेस मेकअप करांगे। सो सब तो पहले मैं इतने सीटीएम करूँगी, क्लींजर मैं कर चुकी हूँ, टोन कर रही हूँ स्किन, उस तो बाद मॉइस्चराइजर अपलाई किया, दैन मैं प्राइमर अपलाई करने तो बाद हूँ मैं तुसी कोई भी कंसीलर लैके उन्होंने अपने डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन वाले एरिया अपलाई करो, दैन एक ब्रश के नाल ब्लेंड करो। जिस तरीके मैं कर रही हूँ तुसी देख सकते हो, मैं बहुत ही हल्का हल्का टैप कर रही थी। सो इस तो बाद हुण मैं तुसी देख सकते हो मेरा फुल फेस सिमिलर हो गया सी, एंड उस तो बाद हुण मैं स्विस ब्यूटी का एयरब्रश फिनिश फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सो कदे भी ज़्यादा क्वांटिटी फाउंडेशन अप्लाई ना करया करो, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा केकी एंड पैची नज़र आता है, बिकॉज वह ब्लेंड नहीं होंगे। सो एक ही पंप के पूरा फेस खत्म करन दी करया करो। सो उस तो बाद मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई करन तो बाद मैं ब्रश की हेल्प के नाल फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी, ताकि एक मैं हाई कवरेज प्रोवाइड हो सके। सो उस तो बाद मैं ब्लेंडर ना सैट किया, दैन मैं कंसीलर अप्लाई किया मेरे हाईलाइट्स पॉइंट पर, उन्होंने भी सैट किया, एंड उस तो बाद हुण मैं इतने कंटोर कर रही हूँ। तुसी देख सकते हो पहले मैं ब्लेंड ब्रश ना ब्लेंड किया, दैन मैं ब्यूटी ब्लेंडर ना सैट किया। अगर थोड़ा नॉर्मल फाउंडेशन है तो वह भी तुम्हें अच्छी कवरेज प्रोवाइड करूगा अगर तुम टेक्निक यूज़ करो। सो उस तो बाद मैं लूज पाउडर लै रही हूँ बे का, मैं उस तो बाद हुण मैं इतने आईब्रो बनाऊंगी स्विस ब्यूटी आईब्रो डिफाइनर ना, ये 2-in-1 जैल आईलाइनर प्लस आईब्रो वाला। सो इस तो बाद हुण मैं रॉन्जल कॉस्मेटिक आई शैडो का पैलेट लिता, जिद मैं लाइट ब्राउन कलर आई शैडो हल्का हल्का अपलाई किया। कभी भी डायरैक्ट अपलाई ना करा करो, पहले डस्ट ऑफ करा करो, तो उस तो बाद मैं दोनों मिक्स करके एंड पर्पल कलर आउटर वी ते अपलाई करन तो बाद उन्होंने ब्लेंड किया। सो तुसी मेरी होल लुक देख सकते हो। उस तो बाद हुण अगर तुसी कट क्रीज बनाउण दा ईजी वे देख सीखना चाहते हो तो सब तो ईजी वे यही आ, तुसी आईलिड ते कंसीलर अप्लाई करो एंड अपनी आईज़ नू खोलो, तुहानू पता लग जाएगा, उत्थे निशान लग जाएगा कि असी इत्थे तक कट क्रीज बनाउणी आ। सो उहनू फिल कर लो। सो इत्थे मैं आउटर वी नू इंटेंसीफाई कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिख सके, ये ना लगे कि मेरी कट क्रीज अलग आ, मेरा होल मेकअप अलग आ। सो सब तो पहला उहनू चंगी तरह ब्लेंडिंग इसका की अगर तुम एक अच्छा आई मेकअप चाहते हो। सो इस तो बाद मैं इतने NY बेदा शिमर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि एज आ आई शेड भी यूज़ कर रही हूँ, एज आ हाईलाइटर भी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्लस बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया। सो मैं अप्लाई करने तो बाद इन दोनों चंगी तरह ब्लेंड कर लूँगी। सो उस तो बाद हम मैं विंग आईलाइनर क्रिएट किया अंडर आई दे, मैं लाइट ब्राउन कलर का आई शैडो ब्लेंड करने तो बाद ब्लैक कजल समर्ज कर रही थी, ताकि एक थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आ सके। उस तो बाद मैं पाउडर नू डस्ट ऑफ किया, दैन मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो मेरा ब्लश इतने टुट गया सीगा। सो ब्लश अप्लाई करने तो बाद मैं हाईलाइटर अप्लाई किया, इतने मैं लिप लाइन कर रही हूँ ब्राउन कलर के लिप लाइनर के नाल, एंड उस तो बाद मैं इतने न्यू लिपस्टिक अप्लाई करूँगी मैट लिप, जो कि स्विस ब्यूटी की है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सो यही मेरी फाइनल लुक, तुहानू मेरी फाइनल लुक किदां लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्सिओ, और चैनल नू प्लीज़ सबसक्राइब कर दिओ, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाई।